हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7B। क्वेश्चन नंबर 1 इज ए मैन बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 13% वर फाउंड रॉटन। क्वेश्चन नंबर 1 इज ए मैन बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 13% आर फाउंड रॉटन। कुछ ऑरेंजेस परचेज किए एक मैन ने, उसमें से कुछ परसेंट ऑरेंजेस क्या है, खराब है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं रॉटन ऑरेंजेस। जो जो गिवन समझ में आता है वो लिखते रहेंगे। ठीक है, जितने भी टोटल थे उसमें से 13% खराब है। ठीक है, आगे बोला है ही गेव 75% ऑफ द रिमेनिंग। जहां भी ऑफ द रिमेनिंग आ जाता है ना, तो पहले रिमेनिंग निकाला करो। ठीक है, तो मैं यहां लिख रही हूं रिमेनिंग ऑरेंजेस। अगर 13% खराब थे तो अब रिमेनिंग कितने रह गए। टोटल कोई भी चीज 100% होती है। ठीक है, जितने भी लाए हो टोटल 100 माना जाता है। तो 13% खराब थे तो अब कितने रह गए, 100 - 13 विच इज 87%। ठीक है, अब इस पे बात हो रही है। अब बोल रहे हैं 75% ऑफ द रिमेनिंग इन चैरिटी। ठीक है, चैरिटी में कितने दिए ये निकाल लेते हैं। 75% ऑफ रिमेनिंग ऑफ 87%। ठीक है, रॉटन कितने, 13%। किसके 13%, ये हमें नहीं पता। टोटल कितने हैं, 10 हैं तो 10 के 13%, 50 हैं तो 50 के 13%। ठीक है, वो निकालने होंगे बाद में। आगे बोल रहे हैं एंड स्टिल हैज 522 ऑरेंजेस लेफ्ट। तो अब कितने लेफ्ट, मतलब कितने बच गए। पहले कुछ लेकर आया उसमें से 13% खराब हो गए, तो 87% सही थे। अब जो सही थे उसमें से 75% उसने चैरिटी को दे दिए, और कितने बच गए उसके बाद, चैरिटी में देने के बाद भी 522 ऑरेंजेस इसके पास अभी भी बचे। तो हमसे पूछा है हाउ मैनी हैड ही बॉट। ठीक है, कितने खरीदे होंगे। तो लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या कर सकते हैं, बी एक्स। ठीक है, एक्स मान लेते हैं। तो हमने माना एक्स उसने परचेज किए थे, उसमें से 13% खराब हो गए, तो 87% देखो ऑफ लगाया था ना मैंने, 13% ऑफ एक्स खराब हो गए। सही कितने हैं, 87% ऑफ एक्स। और चैरिटी में कितने दे दिए, 75% ऑफ 87% ऑफ एक्स। अब ऑरेंजेस बचे हैं इतने। ठीक है, अगर 75% दे दिए तो कितने परसेंट बचे आफ्टर चैरिटी, कितने रिमेनिंग रह गए। देखो 87% थे, इसमें से 75% दे दिए, माइनस कर दो 75%। टोटल 87% भी गया, 100% की तरह यूज करना है सेम। ठीक है, तो 25% अभी भी बचे हैं। तो कितने रिमेनिंग है, मैं लिख सकती हूँ 25% ऑफ 87%। 87 जो थे परसेंट में, उसके 75 दे दिए हैं और 25 बचे हैं। ठीक है, तो पुट करते हैं वैल्यूज। 522 इज इक्वल्स टू 25/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 87/100 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं 25 वन टाइम, 25 फोर टाइम्स। सो एक्स इज इक्वल्स टू 522 मल्टीप्लाइड बाय 400 अपॉन 87। 3 से करते हैं, 3 2 टाइम, 3 9 टाइम्स, 3 1 टाइम, 3 7 टाइम्स एंड 3 4 टाइम्स। 29 के टेबल से डायरेक्ट हो सकता है, कितने टाइम्स करें, 9 के टेबल में 4 चाहिए, करते हैं 6 से। 6 9 54 5 कैरी। ठीक है, 6 हो रहा है, 1 टाइम 6 टाइम्स। ठीक है, तो टोटल ऑरेंजेस कितने आ गए, 6 × 400 दैट इज 2400। ये हमारा आंसर है। इसमें सारे क्वेश्चंस ही ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा समझ के करना है। मैं दोबारा बता रही हूँ एक्जेक्टली किया क्या। टोटल थे एक्स, एक्स के 13% खराब हो गए। ठीक है, कितने सही रह गए, ये खराब हो गए तो माइनस कर दो, सही बचे हैं 87% ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो खराब हो गए, क्वेश्चन नहीं खत्म। अब इस पे बात कर रहे हैं, इसमें से 75% दे दिए, दैट मीन 75% और कम हो गए। अब कितने बचे, 25% बचे। ये और ये मिलकर 100 बना रहे, ये और ये मिलकर भी 100 बनाएगा, और ये जो 25% बचे हैं उसकी वैल्यू कितनी बता दी है इन्होंने, 522। तो हमने पुट कर दी। अगर दिए हुए की वैल्यू बताते तो यहाँ पुट करते। ठीक है, जैसे भी करेंगे, अभी आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे तो समझ आता जाएगा। सारे क्वेश्चंस ही ऑलमोस्ट इसी मेथड से होने हैं सारे में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 5% पीपल इन अ टाउन डाइड ड्यू टू सम डिजीजेस। ठीक है, तो इसे लिखते हैं पीपल डाइड, कितने हैं 5%। ठीक है, ऑफ एक्स हो गई, या ऑफ जो भी टोटल मानेंगे, बाद में देखते हैं। अब बोला है 3% ऑफ द रिमेनिंग।
अब रिमेनिंग कितने रहेगा, 5% डाइट, तो रिमेनिंग कितने है? टोटल 100 होता है तो रिमेनिंग रह गया 95%। ठीक है, जितने भी टोटल है वो आगे चलेगा। अब आगे बोला है 3% ऑफ द रिमेनिंग लेफ्ट द टाउन। अब जो रिमेनिंग है इसमें से 3% चलेगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसे पीपल लेफ्ट द टाउन, कितने 3% ऑफ 95%, साथ में जो भी ऑफ चल रहा होगा वो देखेंगे। ठीक है, 3% चले गए, तो अब रिमेनिंग कितने हैं जो अभी टाउन में है, वो इन्होंने बता रखा है 2,76,450। ठीक है, अभी इतने हैं, तो पूछा है ओरिजिनल नंबर कितना था, ओरिजिनल नंबर कितना था, कितने लोग थे, एक्स मान लेते हैं, से कर लेते हैं। ठीक है, ये सबसे ऊपर आना चाहिए हालांकि, तो पीपल डाइड लिखते हैं 5% ऑफ एक्स, 5% ऑफ एक्स की डेथ हो गई। ठीक है, अब बचे कितने 95% ऑफ एक्स, उस 95% में से 3% चले गए। ठीक है, अब 3% चले गए तो कितने रिमेनिंग रह गए बताओ, अगर 3% चले गए, मैंने बताया था हमेशा 100 होता है, तो अब 97% रह गए, 97% ऑफ 95% ऑफ एक्स। ठीक है, यही वाला मेथड देखो, पहले एक्स था, एक्स में से 5% डिजीज से डेथ हो गई इनकी, तो बचे 95%, ये तो खत्म हो गए। अब इसमें से 3% चले गए, ठीक है, ये और माइनस हो गए 3%, अब कितने बचे 97%, और इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने। ठीक है, तो हमारे पास है 97% ऑफ 95% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2,76,450, इसे सॉल्व करेंगे 76,450। ठीक है, 97/100 मल्टीप्लाइड बाय 95/100 इंटू एक्स इक्वल्स 276,450। कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। एक्स के लिए क्वेश्चन लिखी हूं मैं 276,450, साथ में ये वाले 100 से इधर आ रहे हैं, 100 इंटू 100 अपॉन 97 इंटू 95, जो भी कैंसिल होता है सब करते हैं। ठीक है, 5 वन टाइम एंड 5 9 टाइम्स, 5 20 टाइम, ये हो गया। ठीक है, इसे फर्दर कैलकुलेट करना है, यहां स्पेस का भी इश्यू है और टाइम को भी थोड़ा सा मैनेज करते हुए मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख रही हूं, ये कैंसिल हो रहा है पूरा 3 टाइम्स, तो ये 3 लाख आंसर आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन खुद कर लेनी है, लेंथी कैलकुलेशन है, मुझे क्वेश्चन रफ करने पड़ेंगे अदरवाइज। ठीक है, कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच इज इन ए कंबाइंड टेस्ट इन इंग्लिश एंड फिजिक्स 36% कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश, 28% फेल्ड इन फिजिक्स। क्या हुआ है, कंबाइंड टेस्ट हुआ है इंग्लिश और फिजिक्स का, तो कुछ कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। ठीक है, किस किस में, कुछ इंग्लिश में फेल हो गए हैं, ठीक है, कुछ फेल हुए हैं फिजिक्स में, और कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो दोनों में ही फेल हो गए हैं। ठीक है, फेल्ड इन बोथ, तो लिखते हैं क्या क्या परसेंटेज है। इंग्लिश में फेल हुए हैं 36%, फिजिक्स में फेल हुए हैं 28%, और 12% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए। तो सबसे पहले तो पूछा है पार्ट वन में परसेंटेज ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, कैंडिडेट पास्ट, इसके लिए देखो क्या कर सकते हैं, 36% पहले फेल का ही निकालते हैं, फेल कितने हुए, 36% इंग्लिश में फेल हो गए, 28% फिजिक्स में फेल हो गए, और ये 12% जो दोनों में हुए, ये एक बार इसमें भी काउंट होंगे, एक बार इसमें भी काउंट होंगे। ठीक है, सेट्स कराओ ना, सेट में ऐसा होता था, ये फिजिक्स वाला बनेगा, ये इंग्लिश वाला बनेगा, ये जो बोथ वाले हैं 12%, ये एक बार इधर भी काउंट हो रहे हैं, एक बार इधर भी, तो ये 12% माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, या ऐसे जैसे क्लास में हैंड्स अप करवाए कि जो जो इंग्लिश में फेल हुए हैं वो खड़े हो, उसके बाद बोला जो फिजिक्स में फेल हुए हैं वो खड़े हो, फिर बोला जो दोनों में फेल हुए हैं, तो कुछ बच्चे क्या होंगे, यहाँ पे भी खड़े थे, यहाँ पे भी खड़े थे, और यहाँ पे भी खड़े हो जाएंगे, तो वो माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितने आ रहे हैं हमारे पास, 36 + 28, 6 and 8 is 14 एंड दिस इज 64% माइनस 12% कितना हो गया 52%। तो खुद निकाल सकते हो, अगर फेल हुए 52% तो पास कितने परसेंट हुए, पहले भी मैंने बताया टोटल कोई भी 100% होता है। ठीक है, अगर फेल हो रहे हैं 52% तो पास हो जाएंगे, 52 और कितना ऐड करेंगे 100 बने 48। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं पास परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, ये फेल्ड परसेंट थी, 100 में से
52% अगर फेल हो गए हैं तो पास हो रहे हैं 48%. देन नेक्स्ट बोला है द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इज 208. नेक्स्ट कर रहे हैं सेकेंड पार्ट. अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, कितने बच्चों ने एग्जाम दिए थे अगर फेल हुए हैं 208. अगर इतने परसेंट बच्चे फेल हो गए हैं तो कितनों ने एग्जाम दिया था. ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितनों ने एग्जाम दिया इसे कुछ मान लेते हैं, एक्स ही मानते हैं नॉर्मली. ठीक है, उसमें से फेल कितने हुए, एक्स में से 52% फेल हुए. देखो ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये ध्यान रखना है. ये परसेंटेज में फेल है और ये नंबर में फेल है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए. जैसे एग्जाम में मार्क्स आ रहे हैं 50 मार्क्स आए हैं सपोज किसी सब्जेक्ट में, तो 50 मार्क्स भी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं 50% मार्क्स आए हैं, दोनों इक्वली होते हैं. ठीक है, कभी होता है जब 100 में से कर रहे हो. अब करते हैं 52% फेल हुए हैं किसमें से, एक्स में से, और फेल जो हुए हैं वो है 208, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो एक्स इज इक्वल्स टू 208, ये 52/100 आएगा. ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा खुद कर लेना. x इज इक्वल टू 208 इंटू 100/52, ये बन रहा है हमारे पास. ये आई गेस डायरेक्ट हो रहा है 4 टाइम्स, तो आंसर आ रहा है 400 स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, आराम से समझ के करते हैं इस बार, धीरे धीरे. इन ए कंबाइंड टेस्ट इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, इस बार टेस्ट हुआ है मैथ्स और केमिस्ट्री का एक साथ. ठीक है, 84% कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथ्स. तो मैथ्स में कितने पास हुए हैं, स्टेटमेंट लिख लिया करो पास इन मैथमेटिक्स, ऐसे करके. ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 84%. आगे बोला है 76% इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में कितने पास हुए हैं ये बताया है, दैट इज 76%. ये दोनों पास मार्क्स हैं. ठीक है, पास परसेंटेज. आगे हमें बोला है 8% फेल्ड इन बोथ. दोनों ही सब्जेक्ट में फेल कितने हुए हैं वो है 8%. हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, कितने परसेंट फेल हुए हैं ये निकालो, परसेंटेज फेल्ड. ठीक है, तो ये पास वाले हैं, याद रखना है, पास में से हटा रही हूं. यहीं से देख के बताओ अगर 84% बच्चे पास हो गए हैं तो फेल कितने हुए हैं मैथ्स में. टोटल 100 होता है, 100 में से 84 माइनस करते हैं, 16% फेल हुए. ठीक है, ऐसे ही 76% अगर केमिस्ट्री में पास हुए हैं तो कितने परसेंट फेल हुए हैं, 100 में से माइनस करते हैं 76, दैट विल बी 24% फेल हुए हैं केमिस्ट्री. हमने क्यों निकाला है फेल के लिए, क्योंकि क्वेश्चन हमें फेल के लिए पूछ रहा है कि टोटल कितने फेल हुए हैं. तो अब लिख सकते हैं 16% मैथ्स में फेल, 24% केमिस्ट्री में फेल. ठीक है, और ये 8% दोनों में है, ये इसमें भी आ गए और इसमें भी आ गए, इसलिए से माइनस करना है. ठीक है, कितना आ रहा है, 16 + 24, इट इज 40% माइनस 8%, तो आंसर इज 32% स्टूडेंट्स टोटली फेल हुए. नेक्स्ट करते हैं पार्ट सेकेंड. इफ 340 कैंडिडेट्स पास्ड इन द टेस्ट, हाउ मेनी अपीयर. ठीक है, हाउ मेनी अपीयर पूछा है, वो बाद में करते हैं. पास कितने हुए हैं ये बताया है, पास्ड, टोटल पास हुए हैं 340 कैंडिडेट्स. ठीक है, तो पूछा है कितने अपीयर किए होंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ अपीयर को क्या मान सकते हैं, अगेन अपीयर्ड कैंडिडेट्स को हम मान रहे हैं एक्स. ठीक है, एक्स में से 340 पास हुए हैं. अब देखो अगेन क्या होगा, पास परसेंट निकालनी पड़ेगी पहले, कितने परसेंट पास हुए हैं, फिर पास परसेंट ऑफ एक्स कितने के इक्वल है, 340 के इक्वल, क्योंकि ये भी पास है और पास परसेंटेज भी पास, दोनों पास है तो दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, वही वाला मेथड है. अब देखो पास कितने हुए होंगे, अगर फेल हुए हैं टोटल 32%, पूरी क्लास में से 32% बच्चे फेल हो गए, तो परसेंटेज में पर 100 होता है, इसलिए 100 से ही करते हैं. ठीक है, तो पास कितने हुए होंगे इसे मैं यहां से हटाती हूँ. टोटल अगर 100% है तो उसमें से 32% फेल हो गए. ठीक है, तो पास हुए हैं 68%. ये ध्यान रखना है कैसे निकालना है, दोनों चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर 100% बनाएंगी हमेशा. ठीक है, इसका ध्यान रखना है. तो यहां आ गया 68%. सॉल्व करते हैं, 68/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, साथ में एक्स इज इक्वल टू 340. एक्स इज इक्वल टू 340 मल्टीप्लाइड बाय 100/68. वन टाइम, टू टाइम्स, टू वन टाइम, टू फाइव टाइम्स. आंसर इज 500 स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन. अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज ए इनकम इज 25% मोर देन बी. ए की इनकम क्या है,
is income is equals to 25% more than B. जितनी B की है उतनी तो है, but उससे क्या है 25% ज्यादा है. ठीक है, हमें पूछा है find B's income is how much percent less than that of A. तो हमें परसेंट में ही आंसर देना है. अगर A की B से 25% ज्यादा है तो B की A से कितनी कम है. ठीक है, तो क्या करते हैं, जिसमें आंसर डायरेक्ट इनकम नहीं निकालनी है इसलिए इनकम को हम X मान लेते हैं. तो लेट B's इनकम बी X, या X की जगह 100 मान लेते हैं. ठीक है, 100 X तब मानते हैं जब निकालनी होगी, अभी नहीं निकालनी तो 100 भी मान लेते हैं. अगर B की 100 है तो A की कितनी है, B से 25% ज्यादा, जितनी B की है उतनी तो है, और क्या 25% ज्यादा है ऑफ B, B मीन्स 100. ये निकालते हैं कितना आ रहा है, 100 प्लस 25 अपॉन 100 ऑफ 100, 100 से 100 कैंसिल, दैट इज 125. इतना हो गया, A की होगी 125 और B की मानी थी 100. ठीक है, अब पूछा है B की A से कितनी कम है, तो कितनी लेस है ये तो निकाल ही सकते हो, 125 माइनस 100 दैट इज 25 रुपी कम है. ठीक है, अब बोला है कितनी कम परसेंट है, परसेंट में निकालना है, तो 25 कम है, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं. डिनोमिनेटर में जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं, हमें कंपेयर करना है A से, कि A से कितनी कम है. ठीक है, याद रखना है डिनोमिनेटर में वो टर्म लिखते हैं जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, तो A से कंपेयर कर रहे हैं, तो A की इनकम लिख लेते हैं 25 वन टाइम, 25 फाइव टाइम्स, 5 वन टाइम, 5 20 टाइम्स. तो आंसर इज B's इनकम इज 20% लेस देन A's इनकम. अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. मोना इज 20% यंगर देन नीतू. सेम क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंट इज नीतू ओल्डर देन मोना. तो मोना की एज क्या है, नीतू से 20% यंगर है, तो नीतू के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, लेट नीतूज एज बी, देखो कुछ भी मान सकते हैं बट इजी हो जाए इसलिए हम क्या करते हैं 100 मान लेते हैं. ठीक है, 100 इयर्स मान लेते हैं ताकि इजी हो जाए सॉल्व करना, जीरो कैंसिल करना इजी होता है. तो मोना की एज क्या है, मोना 20% यंगर है, यंगर है मतलब इससे छोटी है, दैट मींस इसकी एज में से माइनस करना पड़ेगा. कितना माइनस करना पड़ रहा है, 20% यंगर है, 20% किससे, नीतू से, इससे अगेन 100. ठीक है, जो भी हम इंक्रीज परसेंट डिक्रीज परसेंट करते हैं ना वो वाला है, क्या करना है नीतू की एज को 20% डिक्रीज करना है. ठीक है, डिक्रीज भी क्या होता है, सेम नंबर यहाँ सेम नंबर यहाँ, बाद में कितना परसेंट डिक्रीज करना है वो लिख देते हैं. तो ये और ये कैंसिल, तो मोना की एज आ गई 80 इयर्स. अब हमसे पूछा था हाउ मच परसेंट इज नीतू ओल्डर देन मोना, तो नीतू कितनी परसेंट ओल्डर है. ठीक है, कितना ओल्डर है डायरेक्ट निकाल सकते हो. ठीक है, ओल्डर बाय कितने इयर्स बड़ी है, 100 में से 80 माइनस कर लेते हैं, 20 इयर्स, ये तो आ गया. बट हमें निकालना है ओल्डर परसेंटेज, कितना परसेंट ओल्ड है. ठीक है, अगेन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है, ये भी ओल्ड ये भी ओल्ड, ओल्ड परसेंट के ओल्ड ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा, और किससे कंपेयर कर रहे हैं मोना से, कि मोना से कितनी ओल्ड है, तो मोना की एज डिनोमिनेटर. ठीक है, सॉल्व करो, 21 टाइम, 24 टाइम्स, 4 वन टाइम, 4 25 टाइम्स, आंसर इज 25%. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, रीड करते हैं. इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25% टूडे. ठीक है, प्राइस ऑफ शुगर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, प्राइस इंक्रीज बाय कितना इंक्रीज कर दिया है, 25% इंक्रीज करा है. ठीक है, बाय व्हाट परसेंट शुड इट बी डिक्रीज टुमारो टू ब्रिंग द प्राइस बैक टू द ओरिजिनल. तो कह रहे हैं कितना हम इसे डिक्रीज करें ताकि प्राइस सेम हो जाए. ठीक है, जैसे 100 था, इसे 25% इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया, 125 हो गया. अब पूछ रहे हैं इसे कितना डिक्रीज करें ताकि वापस ओरिजिनल बन जाए, वो निकालना है. ठीक है, ट्राई करते हैं कैसे करते हैं. लेट दी ओरिजिनल, जब भी परसेंटेज निकालना है तब हम ये यूज कर रहे हैं. ठीक है, 100 वाला, लेट दी ओरिजिनल प्राइस बी 100 रुपी. हमने माना कि ओरिजिनल प्राइस 100 रुपी था, तो इंक्रीज्ड प्राइस कितना होगा, इंक्रीज परसेंटेज वाला फॉर्मूला है ना, इंक्रीज प्राइस कितना है, 100 को इंक्रीज कर रहे हैं, कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 25% इंक्रीज कर रहे हैं, 25% ऑफ 100. तो ये आ जाएगा 100 प्लस 25 अपॉन 100 ऑफ 100, ये कैंसिल, रुपी 125. अब पूछ रहे हैं
जब 100 का 125 किया तो 125 को कितना परसेंट कम करें कि वापस 100 हो जाए, ठीक है? तो डिक्रीज बाय कितना होगा ये लिखते हैं, डिक्रीज्ड बाय 125 को कितना कम करें कि वापस 100 हो जाए, ये बोल रहे हैं, ठीक है? तो दिख रहा है 25 कम करना पड़ेगा। अब मुझे कितना परसेंट कम करें, तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, इस प्राइस को इसी से कंपेयर कर रहे हैं इस बार, 25 अपॉन 125 इंटू 100, 125 को कितना परसेंट कम करें, तो इसे 25 कम कर रहे हैं, तो 25 वन टाइम, 25 फाइव टाइम, 5 1 5 20, आंसर इज 20%, ठीक है? पहले 100 को 25% इंक्रीज किया तो 125 बना, अब 125 को वापस कितना कम करें पूछ रहे हैं, तो इसी से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए ये डिनोमिनेटर में आया। क्वेश्चन नंबर 8, ए नंबर इंक्रीज बाय 15% बिकम्स 391, फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है, तो लेट द नंबर बी एक्स, 100 नहीं माना है क्योंकि नंबर फाइंड करना है, क्या करा है, इंक्रीज किया है नंबर को, इंक्रीज्ड बाय 15%, ठीक है? एक्सरसाइज फर्स्ट में किया होगा, इंक्रीज करना, कैसे इंक्रीज करते हैं, एक्स को 15% ऑफ एक्स करना, ठीक है? सेम नंबर को इंक्रीज करना मतलब वो नंबर तो है ही, उसमें 15% और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, तो नंबर कितना बन रहा है, नंबर बिकम्स 391, इंक्रीज करके नंबर इतना बन जा रहा है, तो पूछा है नंबर कितना होगा, सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 391, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो यह आ जाएगा 100x प्लस 15x अपॉन 100 इज इक्वल टू 391, 115x इज इक्वल टू 391 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है? तो ये आ रहा है x की वैल्यू 391 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 115, इंक्रीज बोला है तो प्लस, डिक्रीज बोलेंगे तो माइनस, ठीक है? अब से कैंसिल करके देखते हैं, ये तो दोनों 5 से हो रहे हैं, 5 20 टाइम्स 5 23 टाइम्स, ठीक है? अब ये 23 प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट होना चाहिए, 23 के टेबल में 1 7 टाइम्स आता है, 7 3 21 2 कैरी 7 2 14 15 16, पूरा कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है? अभी और करना पड़ेगा, तो हमें 9 चाहिए, 1 से कर लेते हैं, 23 आ रहा है 391, ठीक है? 23 1 टाइम, 23 17 टाइम्स, तो आंसर आ रहा है 17 मल्टीप्लाइड बाय 20 दैट इज 340, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 340 है, जिसे 15% इंक्रीज कर रहे हैं तो 391 बन रहा है, ठीक है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इस बार क्या करना है, नंबर को डिक्रीज करना है, प्लस नहीं करना है, दैट मींस माइनस करना है, ठीक है? कितना करना है ये देखते हैं, अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 23%, ठीक है? क्या करना है, यहां लिखते हैं डिक्रीज्ड बाय 23%, अगर एक नंबर को 23% कम करते हैं तो नंबर बन जाता है 539, दैट मींस अगर x को कम करना मींस माइनस, कितना माइनस करना है, 23% ऑफ x कम कर रहे हैं, x में से x का ही 23% निकाल रहे हैं, तो नंबर बन रहा है 539, ठीक है? सॉल्व करते हैं, x माइनस 23 अपॉन 100 ऑफ x इज इक्वल टू 539, एलसीएम ले रही हूं डायरेक्ट, 100x माइनस 23x और ये 100 इधर शिफ्ट हो गया, 53900, माइनस करो 100 में से 20, 80 में से 3, 77 इज इक्वल टू 53900, एक्स की वैल्यू आ रही है 53900 अपॉन 77, कैंसिल करते हैं, 7 से ही ट्राई करें, 7 11 टाइम्स 7 7 49, फिर अगेन 7 कर रहे हैं 49, ठीक है? 11 1 टाइम 11 7 टाइम्स, तो आंसर आ रहे हैं हमारे पास, रिक्वायर्ड नंबर इज 700. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर, तीन नंबर है ऐसा मान लेते हैं, नंबर ए, नंबर बी एंड नंबर सी, नंबर ए जो है वो सी से 20% ज्यादा है, जितना सी है उतना तो है ही और उसका 20% और, ठीक है? और बी जो है वो सी से 50% ज्यादा है, ठीक है? जितना सी है उसके सिवा 50% एक्स्ट्रा, हमसे पूछा है व्हाट परसेंट इज द सेकंड नंबर ऑफ द फर्स्ट नंबर, यानी हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है ए से कंपेयर करके, ठीक है? सी का कोई काम नहीं है तो सी को एक्स नहीं मानती हूं मैं, सी को 100 मान लेती हूँ, अगर सी निकालना होता तो एक्स मानते हैं, ठीक है? लिख रही हूं, लेट द थर्ड नंबर बी 100,
ठीक है, क्योंकि वैल्यू नहीं निकालनी है इसलिए 100 माना है। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर बोला था इससे कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है, ये तो है ही, इसमें क्या है एक्स्ट्रा, 20% और है, ठीक है। ऐसी सेकंड नंबर के लिए क्या बोला था, थर्ड नंबर से जितना है वो तो है, एक्स्ट्रा कितना है, 50% और है, ठीक है। तो पहले तो हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकालते हैं कि कितना आ रहा है, फिर आगे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास आ जाएगा 100 प्लस 20% ऑफ 100, सॉल्व करने पे ये आ रहा है 120। सेकंड नंबर आ रहा है ऐसे 100 प्लस 50% ऑफ 100, कैंसिल करके 150, ये आ गया दोनों नंबर। अब पूछा है सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर के कितने परसेंट है, ठीक है, बी एज ए परसेंट ऑफ ए, या सेकंड नंबर लिख लेते हैं बेटर है, जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वही करें, ठीक है। यहां लिख रही हूं मैं सेकंड नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर, कितना परसेंट है, किसे कंपेयर कर रहे हैं, 150, सेकंड नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, तो ऊपर किससे कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर से कर रहे हैं, जिसे करते हैं वो डिनोमिनेटर में आता है, और परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से जीरो कैंसिल, सॉल्व करना है इसे 3 5 टाइम 3 4 टाइम 4 1 टाइम 4 25 टाइम्स। अब 5 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ थर्ड नंबर, ठीक है, इस बार मोर या लेस नहीं बोला है, तो मैं लिख रही हूं फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ठीक है, और मान लेते हैं थर्ड नंबर। अब क्या बोला है, फर्स्ट नंबर इज 20% ऑफ थर्ड नंबर, लेस या ग्रेटर नहीं बोला है, डायरेक्ट बोला 20% ऑफ थर्ड, ठीक है, और सेकंड नंबर क्या है, 50% ऑफ थर्ड, ऑफ थर्ड, थर्ड को मान लेते हैं 100, यहां लिखिए से खुद मान लें, ठीक है। देखो जब लेस ये ग्रेटर नहीं बोला है, लेस और मोर नहीं है, तो डायरेक्ट लिखेंगे फर्स्ट नंबर क्या है, 20% है ऑफ, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई यूज कर लेते हैं, थर्ड नंबर, दैट मीन्स कितना है, 20 है, ठीक है, और सेकंड नंबर कितना है, 50% है ऑफ थर्ड नंबर, मोर या लेस बोलते हैं तो नंबर से प्लस या माइनस करना पड़ता है, ये हो गया 50। हमसे पूछ रहे हैं व्हाट परसेंट इज द सेकंड नंबर ऑफ द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट है, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कंपेयर करना है, ठीक है। तो 50/20 मल्टीप्लाइड बाय 100, कैंसिल करते हैं 0 से 0 2 5 टाइम्स, ये आ रहा है 250%, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, इसमें डायरेक्ट था, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बोला था, ठीक है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा बहुत सेम है तो मैं ये यहां ऐसे लिख रही हूं जितना भी है। लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 विच इज टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 40% लेस देन द थर्ड नंबर, ये कितना है 30% लेस और ये है 40 से थर्ड नंबर से, थर्ड नंबर को मान लिया 100, ठीक है, तो 30% कम है, दैट मीन्स 100 में से माइनस करना पड़ेगा, कितना कम है 30% ऑफ 100, ये और ये हमेशा सेम होते हैं, ठीक है, और ये क्या है 100 में से 40% लेस है, ठीक है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 70 और ये आ जाएगा 60, ये कैंसिल हो रहे हैं, 100 माइनस 30 70, 100 माइनस 40 60। हमसे पूछा है व्हाट परसेंट इज सेकंड ऑफ फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, ठीक है, सेकंड को एक्सप्रेस करना है एज परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, तो सेकंड ऊपर आएगा, कंपेयर करना है फर्स्ट से, फर्स्ट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 600/7, सॉल्व करके अगर लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 7 8 टाइम्स 56, 4 रिमेनिंग 40 हो गए, 7 5 टाइम्स 35, 5 रिमेनिंग 5 एंड अपॉन 7, 85 होल 5 बाय 7%, ये हमारा फाइनल आंसर है।